आजकल लोग ज्यादातर अपार्टमेंट फ्लैट वगैरह विच रहिंदे ने जिथे जगह दी थोड़ी जी प्रॉब्लम हुंदी है। स्पेस घट होण करके ओह प्लांट्स है जिहड़े ग्रो नहीं कर सकते, बट उहनां नूं गार्डनिंग दा बहुत ही ज्यादा शौक हुंदा है। तां अज दी वीडियो खास उहनां लई है जिहड़े कि गार्डनिंग करना चाहुंदे ने, स्पेस दी प्रॉब्लम होण करके प्लांट्स है जिहड़े ग्रो नहीं कर सकते। तां अज दी वीडियो दे विच आपां तुहानूं दस्सांगे इहो जिहे प्लांट्स जिहड़े कि स्मॉल पॉट दे विच बहुत ही ईजीली ग्रो हो सकते ने। तां ओह हुण आपां वीडियो नूं शुरू करदे हां ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲਾਂਟਸ ਜੇ ਮਨੀ ਪਲਾਂਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਥੋਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਮਾਲ ਪੋਟ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੈਸਟ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਕੀ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सेकेंड प्लांट है जेट प्लांट। जेट प्लांट भी स्मॉल पॉट दे लिए बहुत ही वधिया प्लांट है, बहुत ईजली ग्रो हो जाता है। इसनों आप एक पत्ते तो भी बहुत ईजली ग्रो कर सकते हैं। इसका ज्यादातर यूज लोग डेकोरेशन दे विच करते ने। इस दी बहुत ही वधिया टोप्यारियां जड़िया बनाई जांदियां ने जो कि देखने दे विच बहुत ज्यादा सोहनिया लगदियां ने। वास्तु के अकॉर्डिंग भी इसनों गुड लक अट्रैक्ट करने वाला प्लांट कहा जाता है। तो इस प्लांट नूं तुसी अपने गार्डन दे विच ऐड कर सकते हो। स्मॉल पॉट दे विच बहुत ईजली ये प्लांट ग्रो हो जाता है। थर्ड नंबर ते है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट नूं तुसी पत्ते तो भी ग्रो कर सकते हो ते बहुत सारे स्नेक प्लांट तैयार कर सकते हो। स्नेक प्लांट एक ऑक्सीजन रिच प्लांट है। हवा दे विच जिन्ने भी दूषित कण हुंदे ने उन्हां नूं साफ करके एयर नूं प्यूरीफाई करदा है। इस नूं तुसी अपने घर दे अंदर भी रख सकते हो। इस दी बहुत ही ज्यादा वैरायटीज देखण नूं मिल जांदियां ने। स्नेक प्लांट एक बेस्ट प्लांट है। स्मॉल पॉट दे विच तुसी बहुत ही ईजली इस प्लांट नूं लगा सकते हो। नेक्स्ट प्लांट है कलांचो। कलांचो एक परमानेंट प्लांट है। विंटर्स दे विच इसकी बहुत ही ज्यादा सोहनी फ्लावरिंग हुंदी है। स्मॉल पॉट दे विच बहुत ईजली ये प्लांट है जिहड़ा ग्रो हो जांदा है। तां तुसी इस प्लांट नूं लगा सकते हो। नेक्स्ट प्लांट है सिंगोनियम। सिंगोनियम दी बहुत ही ज्यादा वैरायटीज है जिहड़ियां देखण नूं मिल जांदियां ने। इस नूं तुसी मल्टीप्लाई करके बहुत सारे प्लांट है इस दे तैयार कर सकते हो। इस प्लांट नूं भी तुसी स्मॉल पॉट दे विच बहुत ईजली है जिहड़ा ग्रो कर सकते हो। इस प्लांट दे पत्ते इन्ने ज्यादा सोहणे हुंदे ने किसी फ्लावर प्लांट नालों बहुत ही ज्यादा इह प्लांट लग्गिया सोहणा लगदा है। तुसी अपने गार्डन दे विच इस प्लांट नूं ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट प्लांट है जीजी प्लांट। जीजी प्लांट बहुत ही वधिया प्लांट है। एक पत्ते तो भी ग्रो हो जाता है ते स्मॉल पॉट दे विच बहुत ही ईजली ये प्लांट लग जाता है। बहुत वधिया प्लांट है। जे तुसी ज्यादातर घर तो बाहर रहिंदे हो तुसी इस प्लांट नूं जरूर लगाओ क्योंकि इस प्लांट नूं इन्नी केयर दी नीड नहीं हुंदी। 10-12 दिनों बाद भी पानी दोगे तो बहुत ही वधिया ग्रो हुंदा रहूगा। तो तुसी बड़े ही बेफिक्र ना किते भी जा आ सकते हो। लास्ट प्लांट है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी बहुत ही सोहना अट्रैक्टिव प्लांट है ते स्मॉल पॉट दे विच बहुत ईजली ये ग्रो हो जाता है। ते हैंगिंग बास्केट दे विच भी ए प्लांट लग्या बहुत ही ज्यादा सोहना लगता है। इसकी खासियत ए है कि हवा दे विच जिन्ने भी हार्मफुल कैमिकल्स हुंदे ने उन्हां नूं साफ करके एयर नूं साफ कर दे। आई होप गाइस तुहानू मेरी वीडियो वधिया लगी होगी। तो लाइक शेयर ते कमेंट करना ना भूलियो ते साडे चैनल नू सब्सक्राइब भी कर लियो। मिलदे आपां किसे होर अगली वीडियो दे विच। ओके बाय।